नमस्कार मित्रों, स्वागत है गो भारत पर। और मित्रों, मैं अभी हूँ जोधपुर ज़िले के बिलाड़ा तहसील में। तो यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लगभग 1000 वर्ष पुराना, जो आज हर्ष देवल मंदिर के नाम से विख्यात है। सेम उसी शैली का मंदिर बना हुआ है जैसा कि सीकर के पास में हर्ष की पहाड़ियों में जो हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है। तो 10वीं शताब्दी का यानी 10th सेंचुरी का जो ये मंदिर है। मित्रों, उत्तर भारत में जो मंदिरों की जो शैली है, जो आर्किटेक्चुरल स्टाइल है, जो स्थापत्य कला है, वो नागर शैली कहलाती है। और नागर शैली की ही एक उप शैली है महामारू शैली, उसी शैली का ये मंदिर बना हुआ है। जो हर्षनाथ मंदिर जो सीकर में बना हुआ है, वो चौहान शासक विग्रहराज प्रथम के समय में बना हुआ मंदिर है और सेम उसी कालखंड के दौरान बनाया हुआ मंदिर है। हालांकि इसके इतिहास के बारे में अभी ज्ञात ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके लिए काफ़ी शोध की ज़रूरत है। लोकल जो किंवदंती है वो कुछ अलग इसका इतिहास बताती है, लेकिन चूंकि हर्षनाथ मंदिर सीकर और इस हर्ष देवल मंदिर के मध्य में काफ़ी समानता है और सेम उसी महामारू शैली का मंदिर है। महामारू शैली यानी कि एक जो शिखर है मंदिर का, तो एक काफ़ी बड़ा शिखर होता है और शिखर के नीचे गर्भगृह है और चारों तरफ प्रदक्षिणा मार्ग होता है। ये मुख्य मुख्य विशेषताएं होती है। तो उसी शैली का मंदिर बना हुआ है, तो उस वजह से ये दोनों एक कहूँ तो एक सिस्टर टेम्पल है, जो शिखर का हर्षनाथ मंदिर और ये एक ही कालखंड के दौरान लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। आप देख सकते हैं ये मंदिर का जो सभा मंडप का आप देख सकते हैं जो मुख्य गुंबद है, बहुत ही कलात्मक है। और जो मंदिर का मुख्य जो पत्थर काम में लिया गया वो रेड सैंडस्टोन है। और अभी ये मंदिर राजस्थान सरकार की आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उनके अंतर्गत है, यानी सरकारी मंदिर है। और सामने आप देख सकते हैं शिवलिंग और नंदी महाराज की प्रतिमा है जो अभी खंडित अवस्था में है। हालांकि मंदिर में कुछ फर्श वगैरह का निर्माण और काफी रेनोवेशन बाद में किया गया लगता है। और मंदिर के जो कि गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। और अभी मैं मुख्य शिखर के बिल्कुल नीचे हूं, आप देख सकते हैं ये मुख्य शिखर है जो अच्छी कंडीशन में नहीं है इस समय, काफी रेनोवेशन की जरूरत है। हालांकि ये मंदिर आप देखेंगे रेनोवेशन के अलावा जो मुख्य प्रांगण है तो वो वही स्टोन लॉकिंग पद्धति से बनाया हुआ है, बिना चूने और सीमेंट, यानी कोई भी सीमेंट तो खैर उस समय होती भी नहीं थी। स्टोन को पत्थरों को एक दूसरे पर इस प्रकार से रखा गया है ताकि एक पत्थर अगर किन्हीं कारणवश क्षतिग्रस्त भी हो जाए तो दूसरा पत्थर उसको थामे रख सकता है। यही जो स्टोन लॉकिंग पद्धति है वो मंदिर निर्माण की कहलाती है। आप देख सकते हैं और कुछ जो पिलर्स है, जो स्तंभ है, वो काफी कलात्मक है। मंदिर के मुख्य भाग में आप देख सकते हैं जो काफी उस समय जो शैली प्रचलित थी, जैसे देवी देवताओं, नर्तकियों की और म्यूजिशियंस की जो मूर्तियां हैं वो भी, हालांकि ये सब खंडित अवस्था में। ऐसा बताते हैं कि जो धर्मांध मुगल बादशाह औरंगजेब जो 17वीं शताब्दी के अंदर जो अंत में उसमें लास्ट में उसने एक हिंदुओं के मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था, उसी अभियान के अंतर्गत यहाँ पे जो है उन मूर्तियों को खंडित किया गया था। अब
सामने एक खंडित मूर्ति है, तो ऐसा प्रतीत होती है कि कोई देवी की मूर्ति है जिसको खंडित किया गया। कहीं किस जगह पे जैसे जो फेस का हिस्सा है, जो चेहरे का हिस्सा, वो क्षतिग्रस्त कर दिया गया, और कुछ जगह पे दूसरे जो अंग है वो तोड़ दिए गए हैं। और ये मंदिर का जो प्रदक्षिणा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग वो है, इसमें काफी स्टोन अभी नए लगे हुए हैं। और ऐसा बताते हैं कि इस मंदिर के जो पिलर्स है उनकी गिनती आज तक कोई कर नहीं पाया है। उसकी एक वजह है मित्रों कि जो मंदिर के पिलर है वो उस प्रकार से बने हुए हैं कि गिनती करते समय आदमी चूक जाता है। उस वजह से जो सामने का पिलर है वो बाद में आप देख सकते हैं शायद रिपेयर किया गया, तो थोड़ा सा ये मंदिर से तिरछा भी लगता है। काफी जगह जो रेड सैंडस्टोन है वो समय की मार से क्षतिग्रस्त भी हो चुका है। कुछ जो पिलर्स है वो काफी कलात्मक है, काफी ऑर्नेट है, और कुछ जो सादे पिलर्स है। जो मंदिर का मौजूदा स्वरूप है वो काफी बाद में वापस इसको रीबिल्ड किया गया है। और कुछ पिलर्स पे आप देख सकते हैं, जैसे सामने आप देखिए जो नागपास है वो दिखाया गया है पिलर्स पे, बहुत ही सुंदर कारीगरी। सभा मंडप के जो ये पिलर्स है वो काफी कलात्मक है। और मंदिर के ही मुख्य प्रांगण के अंतर्गत राइट साइड में एक और मंदिर है, तो इस मंदिर के बारे में ऐसा बताते कि ये पांडवकालीन मंदिर है। जब 5 पांडव अपने वनवास में थे तो अज्ञातवास से पहले यहाँ पे आए थे और शिवलिंग की स्थापना की थी माता कुंती के आदेश पर, तो वही मंदिर है ये मंदिर, जो हर्ष देवल मंदिर है उससे भी पुराना मंदिर है। और जो सामने आप शिवलिंग देख सकते हैं वो पांडवा द्वारा स्थापित शिवलिंग है। हालांकि मंदिर के इतिहास को लेकर जो स्थानीय किंवदंतियां हैं उनके अनुसार ऐसा बताते कि जो भोज बगड़ावत के समय में जो उनके 24 वीर थे और उनके द्वारा बनाया गया ये मंदिर है। लेकिन इस विषय पे काफ़ी शोध की भी अभी ज़रूरत है, क्योंकि ये उसी कालखंड में बना हुआ है, गुर्जर प्रतिहार शैली का भी है। तो भगवान हर्षनाथ थे, वो चौहान शासकों के आराध्य देव थे, तो सीकर के हर्षनाथ की पहाड़ी पर बना हुआ मंदिर भी उसी शैली का और सेम शैली का मंदिर ये है।